नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूं। 7 साल की बच्ची से बैड टच, 2 दिन डरी सहमी रोती रही, चाचा की शादी में आरोपी ने धमकाया। शादी में 7 साल की बच्ची से गलत हरकत करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद बच्ची इतना डर गई कि 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। डरी सहमी बच्ची को देखकर माता पिता भी कुछ समझ नहीं पाए, उससे पूछा लेकिन वह कुछ नहीं बोली। बेटी को लगातार रोते देख माँ ने उससे बार बार पूछा, तब उसने घटना के बारे में बताया। बच्ची ने माँ को बताया कि जतिन अंकल ने मुझे गलत हरकत की और किस की किया। रोने लगी तो किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ विधानसभा की गढ़साना मंडी का है। घटना 23 अप्रैल सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। कार्यवाहक थानाधिकारी SI सुरेंद्र राणा ने बताया कि बच्ची के पिता ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर दिया है और आरोपी जतिन को गिरफ्तार करने के लिए टीमों का गठन कर आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चाचा की शादी में यह घटना हुई। SI ने बताया कि 22 अप्रैल को मासूम बच्ची के चाचा की शादी थी। बच्ची परिवार के सदस्यों के साथ गढ़साना की अग्रवाल धर्मशाला में शादी समारोह में गई हुई थी। 22 अप्रैल रात की शादी होने के कारण बच्ची और परिवार के अन्य बच्चे धर्मशाला के ही कमरे में सो गए। 23 अप्रैल सुबह लगभग 4 बजे मासूम बच्ची घबराकर कमरे से बाहर आई और वैवाहिक कार्यक्रम में व्यस्त अपनी माँ के पास चली गई। उस समय बच्ची काफी डरी हुई थी और सहम कर रो रही थी। बच्ची की माँ ने पूछा तो कुछ नहीं बोली। 2 दिन तक बच्ची ने कुछ नहीं खाया। बच्ची की माँ ने बताया कि उसी समय कमरे में मेहताब कॉलोनी का जतिन गर्ग पुत्र सुभाष गर्ग भी घबराता हुआ बाहर निकलकर चला गया। बच्ची 2 दिनों तक घर पर डरी हुई और सहमी हुई थी। 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। बार बार पूछने पर सोमवार शाम बच्ची ने अपनी माँ को सारी बात बताई। इसके बाद मामला दर्ज करवाया गया। घटना के बाद बच्ची के परिजन और सामाजिक संगठनों के लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस तरह के जो आरोप करते हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की हरकत करते हैं, रियल हेडलाइन न्यूज चैनल सरकार से यह कहना चाहता है कि इनका एनकाउंटर किया जाए, इनको किसी तरह की कोई गिरफ्तारी ना की जाए, इनको किसी तरह का कोर्ट में पेश ना किया जाए, हो सके तो इनका डायरेक्ट एनकाउंटर किया जाए, जिससे इस तरह की हरकत करने वाले को पता चले कि इसका अंजाम क्या होगा। जल्द मिलता हूँ आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।